उत्तराखंड में निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 6 महीने के भीतर ठोस व्यवस्था की जाएगी। विधानसभा गार में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में इस लक्ष्य का युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए हासिल करने का निर्णय किया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गोवंश संरक्षण के लिए विस्तार से चर्चा की है। महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौ सदनों में रखा जाएगा। जहां जहां गौशालाएं नहीं हैं वहां पर प्राथमिकता के साथ में गौशालाएं बनाई जाएंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड देव भूमि है, हमारी संस्कृति में गौ, गंगा, गणेश और गायत्री का विशेष महत्व है। गौ वंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज में घूमती रहती हैं उनको जो है जो गौशाला जहाँ पर विधिवत बनी है वहाँ पर रखा जाएगा और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमने पूरे देश भर से बल्कि कई पूरे विश्व भर से हमारे 12 महीने पर्यटक या फिर हमारे तीर्थयात्री आते हैं और हमारे विभिन्न स्थानों पे आप देखते हैं कि निराश्रित पशु बहुत घूमते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने और पिछले दिन हमारे माननीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग तमाम क्षेत्रों से जितने भी गौवंश हैं उनको एक गौशाला का रूप देखें और सभी को वहाँ पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। आज उसके लिए एक बैठक हुई है, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बैठक में हमारे ये आज में माननीय शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, माननीय हमारे PW और टूरिज्म मंत्री सतपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि कल ही हमारा सदन खत्म हुआ और मैंने दोनों माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक बहुत ही अहम मुद्दे पर जो हमारे निराश्रित गौवंश है जो 17,500 निराश्रित गौवंश सड़कों पर हैं जिसकी वजह से किसानों को भी हानि हो रही है, हमारे गौवंश को भी हानि हो रही है और हमारे उत्तराखंड का जो एक गौ सेवा हमारी जो सोच है उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। उसको लेके हमने एक हाई पावर्ड आज कमेटी बैठी है। ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में 3 मंत्रीगण निराश्रित गौवंशों को गौशाला देने के लिए एक साथ बैठे हैं, सारे विभाग एक साथ बैठे हैं।